एसडीएम सदर नेहा बंधु की अध्यक्षता में तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में एसडीएम सदर नेहा बंधु ने बताया कि शनिवार को तहसील दिवस का आयोजन होना था लेकिन महाशिवरात्रि की वजह से नहीं हो पाया था, जिसको देखते हुए सोमवार को तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि तहसील दिवस में अधिकतर मामले भूमि विवाद, पुलिस, नगर निगम से संबंधित आए थे, जिसके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा, तहसील समाधान दिवस में नागरिकों की समस्याओं का निस्तारण किया जाता है क्योंकि तहसील दिवस में सभी अधिकारी एक साथ मिल जाते हैं, जिससे तहसील दिवस काफी कारगर साबित होता है। इस अवसर पर नायब तहसीलदार विकास कुमार, विशिष्ट वर्मा, देवेंद्र यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर नेहा बंधु ने कहा, अधिग्रहण कब हुआ इसका अधिग्रहण? आज तहसील दिवस का आयोजन सोमवार को हो रहा है क्योंकि शनिवार को जो था वर्किंग डे नहीं था, तो आज वो हुआ है। सारे विभाग आए हुए हैं, हम लोग बैठे हुए हैं और सुबह से जो है काफ़ी लोग आ रहे हैं। आज संख्या थोड़ी कम है, लोगों को हो सकता है जानकारी कम रही है, बट ऐसा होता है कि अगर वर्किंग सैटरडे वर्किंग डे नहीं होता है तो नेक्स्ट वर्किंग डे पे हमारा तहसील दिवस का आयोजन होता है, तो आप लोगों के माध्यम से लोगों को ये जानकारी चली जाए ताकि लोग अपने जो भी उनको दिक्कत है और जो भी परेशानियाँ हैं वो आके बता सकते हैं। अभी कुछ जो सुबह से आए हैं नगर निगम के, राजस्व के, पुलिस विभाग के मामले सामने आए हैं।